पल्ला मछली कौन से सूबे की मशहूर डिश है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ओके जी, मधुर वड़ा। सबसे पहले इसमें क्या चीज जाती है? मधुर यानी प्याज। आप प्याज ले लें और इसको चॉप कर लें, आधे को चॉप करें, आधे को स्लाइस करें। ओके, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल। बोल ले लें और बोल में आप चॉप्ड हुआ प्याज शामिल कर दें। अब इसमें आप डालें 3 टेबलस्पून मैदा। तीन टेबलस्पून मैदा डाल के आप डालें इसमें 2 टेबलस्पून चावल के आटे के। फिर आप डालें 1/2 टेबलस्पून मिलाई गई थूल यानी गरम मसाला आज का। नेक्स्ट स्टेप, 1 टीस्पून लेवल यानी 1 टीस्पून बराबर नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से और थोड़ी सी हल्दी चुटकी बराबर। इनको आप मिक्स इन करें। नेक्स्ट डाल दें स्लाइस हुए हुए प्याज, डालकर 1 आखिरी चुटकी नमक की आप शामिल कर दें और फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लें। कोई 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल आप बोल में डाल दें। फिर आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करें। अब हमें थोड़े से फ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल की जरूरत है, तो आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब इसे मिक्स करें। बिल्कुल आखिर में 2 टेबलस्पून पानी के आप डाल दें। फिर हाथों का इस्तेमाल करें और वड़ा मिक्स अच्छी तरह कुचलें। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप 1 टेबलस्पून पानी और शामिल कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा पानी डालने से ये पेस्ट बन जाएगा और ये ड्राई मिक्स नहीं रहेगा। हमारा वड़ा मिक्स तो रेडी हो गया। नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन ले आए। फ्राइंग पैन को आप दरमियानी आंच पे रख के इसमें काफी सारा तेल निकालें, कोई 1/2 कप। उससे ये होगा कि आप वड़ा को डीप फ्राई तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन डीप फ्राइंग के लिहाज से थोड़ा सा हेल्थी होगा। ओके, अब आप तेल को टेस्ट कर लें। एक छोटा सा वड़ा मिक्सचर आप साइड पे डाल दें, जब ये बबल होना शुरू होगा ना तो तब तेल आपके वड़े के लिए तैयार है। उस टाइम तक आप वड़े मिक्स में से मिक्सचर ले लें हाथ में। और मधुर वड़ा जो होता है वो गोल नहीं होता है, मधुर वड़ा फ्लैट होता है, तो इसको आप गोल बनाएं पहले कोफ्ते की तरह। ओके जी, अब हमारा मिक्सचर भी फ्राई हो रहा है तो इसको आप निकाल लें, क्योंकि जब तक आपका वड़ा पकेगा ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। आग आप कम कर लें और वड़ा नंबर 1 पैन में डाल दें, के साथ साथ ही वड़ा नंबर 2 डाल दें और वड़ा नंबर 3 पीछे ना छोड़ दें। अब जारी सी बात है, जितना पतला वड़ा होगा उतना ही वो जाके अंदर तक अच्छी तरह क्रिस्पली पकेगा, लेकिन इससे जितना आप पतला करेंगे वड़ा को, जब वो तेल में जाएगा वो शायद उसमें टूटने का प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। अब वड़ा हर साइड से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। वड़ा के ऊपर कितना खूबसूरत रंग आया है। और फिर आप आग ऑफ कर दें इस पॉइंट पे, क्योंकि अब हम इनको थोड़ा सा गर्म तेल में तलने देंगे, क्योंकि टाइम आया है प्लेट अप का और गेस्ट से रेटिंग लेने का।